बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास 10 और सी लैंग्वेज के इनपुट फंक्शंस, जिनका मेन मकसद टू इनपुट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। तो गेच, गेच ई एंड गेट कर, दीज आर द 3 फंक्शन। द मेन पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज टू गेट टू इनपुट अ सिंगल करेक्टर फ्राम द कीबोर्ड। लेकिन परफॉर्मेंस सबकी मुख्तलिफ है, बिहेवियर मुख्तलिफ है। गेच, द गेच फंक्शन रीड्स अ करेक्टर फ्राम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से करेक्टर रीड कर लेता है लेकिन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करता, वो आपको नज़र नहीं आता। जब कीबोर्ड से आप ए बी सी कुछ भी इंटर कर ले तो गेच उसको एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन स्क्रीन पे दिखाता नहीं है। ई को का मतलब है डिस्प्ले। अब इस प्रोग्राम को देखिए, इससे आपको समझ आ जाएगी। प्रोग्राम है आपके पास, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, एस टी डी आई ओ डॉट एच और मेन फंक्शन करेक्टर सी एच। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया तो सी एच की जगह ए बी सी कोई भी नंबर फंक्शन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रिंट एफ इंटर कर, सी एच इज इक्वल टू गेच। तो गेच फंक्शन क्या करेगा, कीबोर्ड से एक करेक्टर इनपुट कर लेगा और उसको किस चीज़ में स्टोर करेगा, सी एच में, जो कि वेरिएबल है ऑफ टाइप करेक्टर। और अब ये इसमें मौजूद होगा, ठीक है। इंटर करेक्टर, हमने करेक्टर इंटर कर लिया लेकिन वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, वो गेच ने एक्सेप्ट किया और सी एच में स्टोर किया, रैम में मौजूद है लेकिन इधर नज़र नहीं आ रहा। इसको डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन क्या है, आउटपुट फंक्शन है जो डिस्प्ले करता है डेटा को स्क्रीन पर, ठीक है। पुट कर, पुट कर आपके पास वो आउटपुट फंक्शन है जिसका मेन मकसद क्या है, टू आउटपुट अ सिंगल करेक्टर ऑन द स्क्रीन, टू डिस्प्ले अ सिंगल करेक्टर ऑन द स्क्रीन। अब करेक्टर कहाँ पे मौजूद है, सी एच में, तो पुट कर क्या करेगा, सी एच को डिस्प्ले करेगा। गेट, गेच फंक्शन ने कीबोर्ड से करेक्टर ले लिया, सी एच में स्टोर कर लिया लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो इसको नज़र आने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए पुट करेक्टर फंक्शन इस्तेमाल होगा। उसके बाद है गेच ई फंक्शन, बिल्कुल उसकी तरह काम है लेकिन ये जब हम कीबोर्ड से डेटा इंटर कर लेते हैं, करेक्टर इंटर कर लेते हैं तो उसको स्क्रीन पे दिखाता है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम बिल्कुल वही चीज़ है, अब इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको समझ आएगी। सी एच हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, प्रिंट एफ इंटर करेक्टर, करेक्टर ये इसी तहू बहू इसी तरह डिस्प्ले हो जाएगा, डबल कोट में है, सी एच इज इक्वल टू गेच ई, ठीक है। अब इसका काम क्या है, कीबोर्ड से हमने फॉर एग्जांपल ए बी सी कुछ भी एक करेक्टर इंटर कर लिया, वो सी एच में स्टोर हो जाएगा लेकिन वो नज़र आएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंट एफ बैक स्लेशन, एक बैक स्लेशन एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद पुट कर, आउटपुट फंक्शन सी एच में जो भी वेरिएबल है उसको डिस्प्ले कर लेगा, स्क्रीन पे दिखाएगा, ठीक है। अब आउटपुट को देखिए, इंटर कर, तो के जब हमने इंटर कर लिया तो गेच फंक्शन ने उसको डिस्प्ले नहीं किया लेकिन इसने इसको डिस्प्ले भी किया, नज़र आ रहा है। हमने कीबोर्ड से के इंटर कर लिया, वो के नज़र आ रहा है लेकिन इसको डिस्प्ले करने के लिए पुट करेक्टर फंक्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये दरअसल इनपुट डेटा और ये आउटपुट डेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गेट कर, गेट कर फंक्शन का काम क्या है, ये भी सिंगल करेक्टर को एक्सेप्ट करता है कीबोर्ड से लेकिन इंटर का दबाना ज़रूरी है। इंटर जब आप दबाएंगे तब ये उस करेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब आपके पास ये प्रोग्राम है, करेक्टर सी एच, इंटर करेक्टर सी एच इज इक्वल टू गेच, गेट कर, और ये तो बैक स्लेशन मीन के न्यू लाइन और पुट कर। तो जैसे ही करेक्टर आप एच इंटर करेंगे, एच आपने कीबोर्ड से इंटर कर लिया तो आप इंटर दबाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तब ये एच इधर नज़र आएगा।
और पुट करेक्टर क्या करेगा, इसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास सिंगल करेक्टर इनपुट फंक्शन। गेच हमने पढ़ा है, गेच ई पढ़ा है और गेट कर पढ़ा है। गेच ई जो है गेट जो है वो फंक्शन है जो करेक्टर को एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन स्क्रीन पे दिखाता है नहीं। गेच ई जो है वो स्क्रीन पे करेक्टर को दिखाता है जब एक्सेप्ट कर लेता है। और गेट कर के लिए ज़रूरी है कि आप कीबोर्ड से जब करेक्टर एंटर कर ले तो इंटर ज़रूर दबाएंगे, तब वो गेट कर जो है वो उस करेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।